सभापति महोदय, आज मुझे भाग संख्या 16, 17 और 13 पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अलवर जिले में एक नया एसपी ऑफिस खोलने की घोषणा करी है, जिसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि अलवर में लगभग 18,000 FIR हर साल दर्ज होती हैं और मुझे लगता है ये तभी संभव है क्राइम को घटाना अगर वहाँ पर एसपी ऑफिस खोला जाए, इसके अलावा पुलिस में भी नई भर्ती करी जाए। आज हम बात कर रहे हैं पुलिस प्रशासन की, आबकारी की और जेल की, और मुझे लगता है तीनों आपस में लिंक्ड हैं, क्योंकि अगर पुलिस का कार्य अच्छा होता है तो क्राइम कम होता है, क्राइम कम होता है तो जेलों में कैदियों की संख्या भी कमी होती है। लेकिन हमें ये उम्मीद करना पुलिस से कि वो परफेक्ट काम करे तो मुझे लगता है आज की स्थिति में ये संभव नहीं है, क्योंकि क्राइम इतना बढ़ गया है लेकिन पुलिस थानों में जितनी संख्या पुलिस कर्मियों की होनी चाहिए वो संख्या में वहाँ पर नहीं है, प्लस उसके संसाधन भी नहीं हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने थानों को सशक्त करने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किया है, स्वागत कक्ष बनवाए हैं, कैमरे लगाने की बात करी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इसमें भी फिर भी कम है। जैसे कि आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की बात लो तो ये लोग इतना रिस्क उठाते हैं, किसी केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, इनको कुछ अधिक मुझे लगता है मानदेय देना चाहिए, क्योंकि अक्सर इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं। इसके अलावा पुलिस वालों को एक भी छुट्टी नहीं मिलती है, मुझे लगता है इतने प्रेशर में रहते हैं कि ये सही और गलत के बीच का फासला तय नहीं कर पाते हैं। आप देखते हैं कि ये 15-15 दिन में अपने घरों में जाते हैं, और मुझे लगता है जब 15 दिन में घर जाते होंगे वहाँ भी उनको 10 बातें सुनने को मिलती होगी अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, कि इतने दिन बाद आप आए हो। वो तो सोच के जाते हैं घर में आराम करेंगे, लेकिन घर में भी उनको 2 डायलॉग सुनने को मिलते होंगे। तो मुझे लगता है जब सबको 5 डे वीक मिलता है तो पुलिस को कम से कम 6 डे वीक काम कर ले, 1 दिन की छुट्टी तो मिलनी ही चाहिए। और दूसरी थानों की बात एक बहुत ज़रूरी है कि कोई भी सिपाही अगर एक विधानसभा में 3 साल से ज़्यादा रहता है तो उसका एक नेटवर्किंग होती है, और वो अपने, मैं कह रही हूँ, एक फ्रेंडशिप डेवलप कर लेता है वहाँ के लोगों से, कि वो सही प्रकार से काम नहीं कर पाता है। तो कोई भी सिपाही हो या थानेदार हो या ASI हो, 3 साल से ज़्यादा एक विधानसभा में कम से कम उसको रहने नहीं दिया जाना चाहिए, ये पॉलिसी मैटर है, इस पर पॉलिसी बननी चाहिए। और जो स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस में रहते हैं, सच्चाई है, तो पुलिस डिपार्टमेंट का मुझे लगता है काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स होनी चाहिए कि इनकी जो परेशानियां हैं वो उनके मन से निकल के आए और उन पर सरकार ध्यान दे। अगर हम महिला डेस्क की बात करें तो महिला डेस्क आज की तारीख में हम नहीं कह पाएंगे कि बहुत अच्छी है, क्योंकि इन पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। नाम की महिला डेस्क है लेकिन उसकी वर्किंग नहीं हो पाती है, इनके लिए अलग से कमरे भी नहीं हैं, बल्कि बहुत से थानों में तो मैंने देखा है अलग से महिलाओं के लिए शौचालय भी उपलब्ध नहीं है, जो बहुत ही गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने इतने शौचालय बना दिए पिछली बार, लेकिन थानों में मुझे लगता है महिलाओं के लिए अलग से शौचालय इन्होंने नहीं बनाया, जहाँ महिला मुलजिम भी आती है और महिला कर्मचारी भी आती है। तो ये कंपल्सरी होना चाहिए कि राजस्थान के हर थाने में महिलाओं का एक शौचालय अलग हो। और हम बात करें ह्यूमन राइट वायोलेशन की, तो सभापति जी मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर कभी कोई मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर पाती है पुलिस तो उनके पूरे परिवार को उठा लाती है ये। मतलब ये कौन से देश का कानून है कि अगर मुलजिम को नहीं पकड़ रहे तो उसके भाई को, उसके पिताजी को ला ला के 2-2 दिन तक थाने में बिठा के रखते हैं, कागजों में नहीं दिखाते हैं लेकिन वहाँ बिठा के रखते हैं, फिर कहेंगे आप अपने बेटे को ढूंढ बोलो कि आ जाएगा थाने में, समर्पण कर दे। मुझे लगता है इस प्रकार की हरकत थानों में नहीं होनी चाहिए। और जेल में तो गजब ही दुनिया है, एक अलग ही दुनिया जेलों के बारे में सुनने में आती है कि वहाँ मोबाइल भी उपलब्ध है, सिगरेट भी है, गुटखे भी है, होटल का खाना भी है, लेकिन सबकी एक कीमत होती है। तो अगर इतना महंगा पड़ रहा है जेल में रहना, और नहीं जो पैसे देता है उसकी, वहाँ मैंने सुना उस पर अत्याचार भी होते हैं, तो क्यों ना वह कैंटीन खोल दी जाए और जो किसी की ज़रूरत है तो उसको वैसे उपलब्ध करा दो ना, वरना जो जेल में मुलजिम होते हैं उनके परिवार वालों को तो बहुत अधिक खर्चा इसी के बारे में हो जाता है। अब मैं बात करूँ अपने अलवर जिले की, तो अलवर में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो एक आरिफ हत्याकांड हुआ था तिजारा में। पुलिस सिपाहियों ने किसी के घर में, आरिफ बच्चा स्टूडेंट है सेकेंड ईयर का, इसके घर में घुस के स्टेन गन से इस बच्चे को मार डाला था।
और उसकी जांच ने क्या करी, इनसे कुछ उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है अगर अब सरकार दोबारा इसकी जांच के बारे में सोचेगी, जिन्होंने यह हत्याकांड करा था उनको सख्त की सख्त सजा मिलेगी। उसके बाद बहरोड़ में पहलू हत्याकांड हुआ था जो देश में, जिसने हमारे अलवर जिले को बदनाम किया, उसमें भी पूर्ण रूप से दोबारा से सही प्रकार से जांच होनी चाहिए, जो मुलजिम है वो गिरफ्तार हो और जो गलत नाम जुड़े हैं वो उसमें से निकल जाएं। एक हत्याकांड रकबर हत्याकांड हमारे रामगढ़ में भी हुआ था, जिसे गौ रक्षक, जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने गौ भक्षक भी कहा था, उन्होंने लात घूंसे मार मार के उस रकबर की हत्या कर दी थी, और उसमें भी दो मुलजिम अभी खुलेआम घूम रहे हैं। हमारे पूर्व गृह मंत्री जी ने उनकी जांच रुकवा दी थी, तो मुझे लगता है उन दो व्यक्ति जो बाहर हैं, जिनको पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, उनको भी गिरफ्तार करके जांच करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अहिंसा की, तो ये मुझे लगता है इस देश के लोकतंत्र की खूबी है, देश को आजादी दिलाने वाले, अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले गांधी जी की छत्र छाया में आज ये सदन है। वो वही गांधी जी जिन्होंने हमें प्यार करना और अहिंसा के रास्ते पे चलना सिखाया, और उसी सदन में ऐसे लोगों को भी बैठना पड़ता है जिन्होंने हत्या करी थी गांधी जी की, और वो उनके शुभचिंतक भी हैं। यही लोकतंत्र की खूबी है, और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में मुझे लगता है लोकतंत्र में दीमक लगाने का काम किया है। जितने भी बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं आज की तारीख में, उनके हौसले बढ़ाने का काम किया है, जिसकी वजह से ये क्राइम रेट इतना बढ़ गया है, जिसको दूर करना या इन लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। इन लोगों के इतने हौसले बुलंद हो गए हैं, ये लोग सोचते हैं कि दे कैन गेट अवे विथ एनीथिंग। उनको पॉलिटिकल संरक्षण भी प्राप्त था, हालांकि अब पिछले 6 महीने में कुछ गिरावट आई है, लेकिन कुछ लोग अभी इस बात को नहीं समझे हैं, अभी तक वो लाइन पे नहीं आए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब कांग्रेस की सरकार आती है अहिंसा पे लोग चलते हैं, धीरे धीरे वापस लौट के पटरी पे आएंगे, तो ये क्राइम काफी हद तक कम हो जाएंगे। अब बात करें हम आबकारी विभाग की, तो सभापति महोदय, जो लिकर शॉप्स खुलती है वो एक खुलती है, लेकिन उसकी ब्रांचेस 10-10 खुल जाती हैं, हर गांव में खुल जाती हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आबकारी विभाग में इस बात की पाबंदी करें, ये ब्रांचेस नहीं खुलें, क्योंकि पीने वाले तो देखिए पी लेते हैं, लेकिन इसका भुगतना तो हम महिलाओं को ही पड़ता है ना। हर जिस गांव में जाते हैं महिला कहती है दुकान बंद करिए, दुकान बंद करवाइए, तो ये दुकान बंद होनी चाहिए, तो क्राइम रेट भी कम होगा और हमारी महिलाएं भी कम से कम सुकून की जिंदगी जी पाएंगी। धन्यवाद।